साथियों, मैं अपने आप को बहुत उपयुक्त यहाँ नहीं अनुभव कर रहा हूँ, क्योंकि संगीत जैसे गहन विषय का जानकार तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ। लेकिन सांस्कृतिक बोध से मैं ये महसूस करता हूँ कि संगीत एक साधना भी है और भावना भी है। जो अव्यक्त को व्यक्त कर दे वो शब्द है, जो व्यक्त में ऊर्जा का, चेतना का संचार कर दे वो नाद है, और जो चेतन में भाव और भावना भर दे उसे सृष्टि और संवेदना की पराकाष्ठा तक पहुंचा दे वो संगीत है। आप निष्पृह बैठे हो लेकिन संगीत का एक स्वर आपकी आंखों से आंसू की धारा बहा देता है, यह सामर्थ्य होता है। लेकिन संगीत का स्वर आपको वैराग्य का बोध करा सकता है। संगीत से आप में विरस भरता है। संगीत मातृत्व और ममता की अनुभूति करवा सकता है। संगीत आपको राष्ट्रभक्ति और कर्तव्य बोध के शिखर पर पहुंचा सकता है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमने संगीत की इस सामर्थ्य को, इस शक्ति को लता दीदी के रूप में साक्षात देखा है। हमें अपनी आंखों से उनके दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। और मंगेशकर परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी इस यज्ञ में अपनी आहुति देता रहा है, और मेरे के लिए तो यह अनुभव और भी कहीं बढ़कर रहा है। अभी कुछ सुर्खियां हरीश जी ने बता दी, लेकिन मैं सोच रहा था कि दीदी से मेरा नाता कब से कितना पुराना, तो दूर जाते जाते याद आ रहा था कि शायद 4-4.5 दशक हुए होंगे। सुधीर फड़के जी ने मुझे परिचय करवाया था, और तब से लेकर के आज तक इस परिवार के साथ अपार स्नेह, अनगिनत घटनाएं मेरे जीवन का हिस्सा बन गई। मेरे लिए लता दीदी सुर साम्राज्य के साथ साथ, और जिसको कहते हुए मुझे गर्व अनुभव होता है, वो मेरी बड़ी बहन थी। पीढ़ियों को प्रेम और भावना का उपहार देने वाली लता दीदी, उन्होंने मुझे हमेशा उनकी तरफ से एक बड़ी बहन जैसा अपार प्रेम मिला है। मैं समझता हूं इससे बड़ा जीवन का सौभाग्य क्या हो सकता है। शायद बहुत दशकों के बाद ये पहला राखी का त्योहार जब आएगा, दीदी नहीं होगी। सामान्य तौर पर किसी सम्मान समारोह में जाने का, और जब अभी हरीश जी भी बता रहे थे,
कोई सम्मान ग्रहण करना। मैं थोड़ा उन विषय में दूर ही रहा हूं, मैं अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता हूं। लेकिन पुरस्कार जब लता दीदी जैसी बड़ी बहन के नाम से हो तो ये मेरे लिए उनके अपनत्व और मंगेशकर परिवार का मुझ पर जो हक है उसके कारण मेरा यहां आना एक प्रकार से मेरा दायित्व बन जाता है। और ये उस प्यार का प्रतीक है। और जब आदिनाथ जी का संदेश आया, मैंने मेरे क्या कार्यक्रम है, मैं कितना बिजी हूं, कुछ पूछा नहीं। मैंने कहा भैया पहले हाँ कर दो, मना करना मेरे लिए मुमकिन ही नहीं है जी। मैं इस पुरस्कार को सभी देशवासियों के लिए समर्पित करता हूं। जिस तरह लता दीदी जन जन की थी, उसी तरह उनके नाम से मुझे दिया गया है पुरस्कार भी जन जन का है।